कोरोना का कहर भारत में लगातार बढ़ता जा रहा है। सरकार इसको फैलने से रोकने के लिए नए नए हथकंडे अपना रही है। बावजूद इसके कोरोना ने बड़ी तादाद में लोगों को अपनी चपेट में ले लिया है। इस महामारी को देखते हुए उत्तर प्रदेश और दिल्ली की सरकारों ने अपने अपने राज्यों में कई हॉटस्पॉट इलाकों को सील कर दिया है। एक तरफ जहां दिल्ली सरकार ने 20 हॉटस्पॉट सील कर दिए, तो वहीं उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने राज्य के 15 जिलों के हॉटस्पॉट इलाकों को सील करने का फैसला लिया है। क्या है हॉटस्पॉट, ये कैसे सील किया जाता है और सील होने के बाद इन इलाकों में रहने वाले लोगों को क्या करना है और क्या नहीं, आइए आपको बताते हैं। क्या होता है हॉटस्पॉट? कोरोना वायरस के समय में वो इलाका जहां कई पॉजिटिव मरीज मिले हों और आगे भी इन इलाकों में संक्रमण फैलने की संभावना अधिक हो, वो हॉटस्पॉट कहा जाता है। ये इलाका किसी भी साइज का इलाका हो सकता है, कुछ घरों से लेकर मोहल्ला, कॉलोनी या फिर पूरे सेक्टर तक, यहां तक कि किसी अपार्टमेंट को भी एक हॉटस्पॉट माना जा सकता है। राज्य सरकार के अधिकारियों के अनुसार ऐसे इलाकों को हॉटस्पॉट के रूप में चिन्हित किया जाता है जहाँ कोरोना वायरस से संक्रमण के केस लगातार बढ़ रहे हों। वहीं हॉटस्पॉट के लिए यह भी देखा जाता है कि वहां के लोग खुद से लॉकडाउन फॉलो कर रहे हैं या सख्ती बढ़ाने की जरूरत है। कैसे होता है सील? हॉटस्पॉट इलाकों में लॉकडाउन का 100% पालन होने की एक प्रकार से उस इलाके का सील होना कहलाता है। इस दौरान इलाके में कोई भी दुकान नहीं खुलेगी। इलाके में आने और जाने पर पुलिस की बैरिकेडिंग होगी। लोगों को आसपास में भी जाने की इजाजत नहीं होगी। हॉटस्पॉट के लिए विशेष पास जारी किए जाते हैं। क्या कर सकते हैं और क्या नहीं? वैसे तो लॉकडाउन में ही लोगों को घर से बाहर निकलने की मनाही होती है, लेकिन हॉटस्पॉट इलाकों को सील करने के बाद ये सख्ती और बढ़ा दी जाती है। लोगों को कहीं भी जाने की इजाजत नहीं होती। कौन लोग जा सकते हैं? हॉटस्पॉट वाले इलाकों में सिर्फ ऐसे लोग को ही अनुमति होती है जो पास के साथ जाते हैं। इसके अलावा एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड को भी हॉटस्पॉट में एंट्री के लिए अनुमति लेनी होगी। हॉटस्पॉट में मीडिया के घुसने पर भी रोक होती है।